अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैनली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये रिसीवर है, सैटेलाइट रिसीवर है, तो ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल ये डेड है, इसकी ना तो रेड लाइट ऑन हो रही है, सप्लाई इसकी नहीं बन रही। ठीक है, तो इस सैटेलाइट रिसीवर है स्टैंड बाई मोड में नहीं है, सॉरी, इसकी बिल्कुल डेड हालत में। तो चलो इसको ओपन करते हैं, ओपन करके चेक कर लेते हैं क्या हर इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये HD रिसीवर है, ठीक है, तो इसको ओपन करके चेक करते हैं क्या हर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ओपन कर लिया इसको। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि इसकी सप्लाई के वोल्ट नहीं मिल रहे या इसके कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं इसकी सप्लाई के वोल्ट चेक कर लेते हैं, इस जैक को उतारेंगे, इसका जो ये सप्लाई का चेक है। तो यहाँ पे हम इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं, क्या ये आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर सप्लाई आउटपुट दे रही है तो फिर कार्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कार्ड ठीक है, सप्लाई नहीं दे रही, तो फिर सप्लाई में प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसकी ग्राउंड लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्राउंड लगाने के बाद हम इसको पावर देंगे। तो जी, पावर देने के बाद हम इसके वोल्ट चेक करेंगे, यहाँ पे कितने वोल्ट है। हमें मिलने चाहिए 5 वोल्ट, 20 और 18 वोल्ट 15 18 20। तो आप मल्टीमीटर को ऊपर देख सकते हैं कि वोल्ट, ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, 5 वोल्ट बन रहे हैं लेकिन फिर बैक चले जाते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि बैक वोल्ट चले जाएँ, इस तरह करें, तो ये आप देख सकते सप्लाई में प्रॉब्लम है ना। इसका चेक ऑलरेडी मैंने उतारा हुआ है, तो जब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो वोल्ट तो कुछ इस तरह के वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो 5 वोल्ट की सप्लाई पहले बननी चाहिए, 5 के बाद 21 वोल्ट हैं, फिर 18 वोल्ट हैं, 18 20 वोल्ट हैं, ये भी देख सकते हैं आप ऐसे ही इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम हो, सप्लाई में प्रॉब्लम है। अगर इस तरह का कोई भी किसी भी सेट में फॉल्ट हो, तो अमूमन अक्सर जो है इसके जो इसका रेक्टिफायर होता है, डायोड होता है, वो ख़राब होता है। तो बहरहाल चलो इसके ओपन करते हैं, ओपन करके इसको चेक करते हैं क्या हर इसमें कौन सा क्या प्रॉब्लम है। सप्लाई को ओपन करना पड़ेगा, इसका एक मेन डायोड ये लगा हुआ है, इसके बाद सप्लाई के इस पहले चेक करेंगे कि इसके। तो इस सप्लाई को मैंने ओपन कर लिया, तो ऐसा होता है कि जब सबसे पहले इसके यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर अगर वोल्ट मिल रहे हैं, कैपेसिटर के ऊपर ये चार्ज हो जाता है। तो चार्ज होने का मतलब है कि अगर जल्दी इसकी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसका मतलब है सप्लाई हमारी ओके। अगर थोड़ा टाइम लेते हैं डिस्चार्ज होने में, डिस्चार्ज नहीं होता तो फिर सप्लाई में प्रॉब्लम है। तो इसमें करेंगे क्या कि सब एक बैक साइड में भी 2 डायोड लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, एक ये और एक ये, ये 2 डायोड बैक साइड में है और एक ये बड़ा ये लगा हुआ है, ये 3 डायोड हैं। ये चेक करने पड़ेंगे कि सबसे पहले हम इनको चेक करते हैं कि इनमें कौन सा ख़राब है, इनमें से कोई एक ख़राब है जिसकी वजह से हम वोल्ट जो है वो ठीक तरह से नहीं मिल रहे। तो जी, मैंने चेक किया कि इसका ये जो डायोड है ये इसका ख़राब है, ये थोड़ा ब्लर कैमरा दे रहा है, कैमरा सॉफ्ट नहीं दे रहा है। तो इसका जो ये वाला डायोड है ये इसका ख़राब शो कर रहा है, ठीक है, ये ख़राब है जिसकी वजह से हमें जो वोल्ट है वो नहीं मिल रहा। तो आइए हम इसको चेंज करते हैं, चेंज करके इसको देखते हैं, क्योंकि दूसरा मैंने चेक किया ये भी बिल्कुल ओके, ये ठीक है। तो अब हम इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करके इसकी जगह पे दूसरा डायोड ऐड करते हैं, फिर देखते हैं। तो जी, मैंने इसको रिमूव कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये था डायोड लगा हुआ था, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ये पड़ा हुआ है, ये रिमूव किया, इसकी जगह पे हम दूसरा ये वाला डायोड है ये इस्तेमाल करें, इसको इसकी जगह पर लगाएँगे, तो लगा के इसके फिर इसका चेक कर दें। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने डायोड को लगा दिया, अब हमें इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं, इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्ट हमें कितने मिल रहे हैं, इसका आउटपुट दे रहा है कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका,
तो जी अब हम इसके वोल्ट दोबारा से चेक करते हैं। लगा दिए मैंने इसको, पावर को यहाँ पे लगा दिया। अब हम इसके वोल्ट चेक करेंगे, इसकी ग्राउंड लगेगी। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये हमें वोल्ट दे रही है कि नहीं। ये इसके 5 वोल्ट की सप्लाई है, इसके सबसे पहले इसकी 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। ये है 5 वोल्ट की सप्लाई है, अब देख सकते हैं 5 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ओके। दूसरे नंबर पे ग्राउंड है, तीसरे नंबर पे इसके 20 वोल्ट हैं, 21 वोल्ट हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये 15 वोल्ट दे रही है, ठीक है, 15 वोल्ट की सप्लाई है और ये 20 वोल्ट की सप्लाई है, बिल्कुल ओके दोनों सप्लाई। तो अब हम जब इसको जैक को लगा देते हैं, लगा के चेक करते हैं ये सेट हमारा ऑन होता है कि नहीं, ये रिसीवर ऑन हो गया, ठीक है, रिसीवर हमारा ऑन हो चुका है, अभी भी थोड़ा ग्लो कर रहा है, ठीक है, बल सेट इसको के, ठीक है, इसका चैनल आप ऑन करके चेक कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें प्रॉब्लम बस इसके डायोड का था, वो ख़राब होने की वजह से वोल्ट जो है वो नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से सेट हमारा ऑन हो रहा था, बिल्कुल ओके।